तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाई लोगों मैं अपना स्टील सूट यहाँ पे अपग्रेड करवाने के लिए आया था, लेकिन भाई उसको रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने एक गिफ्ट मंगाया था, लेकिन वो तो आसमान में लटक गया। अभी भाई ये तो ना नीचे जा रहा है और ना ऊपर जा रहा है। रोपीरो ने बहुत कोशिश कर ली भाई, जंप करके भी देख लिया इसके ऊपर, लेकिन ये तो नीचे जाता ही नहीं है भाई। अभी मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा, इन गुब्बारों को तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने अपनी गन निकाली और इनको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। फिर भाई मेरे को तोप निकाल कर इनको सबको तोड़ना पड़ा। आखिरकार भाई हमारी जो तोप है वो नीचे आ चुकी है। तो भाइयों रोपीरो को बहुत देर हो चुकी है मस्ती करते हुए, अभी हम लोग सीधे इंजीनियर साहब के पास में जाएंगे और अपना स्टील सूट वापस लेंगे। तो सर जी यार आपने मेरा स्टील सूट रिपेयर कर दिया क्या, बहुत टाइम हो गया। हाँ रोपीरो तुम्हारा सूट रिपेयर हो चुका है, लेकिन तुम उसे एक बार पहनकर चेक करके देख लो। तो भाइयों रोपीरो ने अपना स्टील सूट तो पहन लिया है, लेकिन हमें चेक भी तो करके देखना है कि ये ठीक से वर्क भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। लेट्स गो भाई इसको चेक करके देखते हैं। ए भाई उड़ना भाई रोपीरो, तू उड़ना भूल गया क्या। तो दोस्तों यार ये ठीक से वर्क तो कर रहा है, थोड़ा बहुत और ऊपर चल के देखते हैं। यार वैसे इसको पहनने के बाद में तो हम भाई इस सिटी के किंग बन जाएंगे बिल्कुल सुपर हीरो की तरह, क्योंकि वो भी उड़ सकता है और हम लोग तो भाई बिल्कुल आयरन मैन की तरह उड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आयरन मैन का सूट इस सूट से कई गुना ताकतवर है भाई, यानी वो तो भाई खतरों के बारे में पहले ही बता देता है, लेकिन इस सूट के अंदर ऐसा कोई भी फ्यूचर नहीं है, ये केवल बस उड़ने के लिए होता है। लेकिन जो भी हो भाई हम लोग उड़ तो सकते ही है ना। चलो भाई लोग वो इससे ही पूछ लेते हैं, यानी इंजीनियर साहब से ही पूछ लेते हैं। सर जी यार हमें आयरन मैन के जैसा सूट बनाकर दे सकते हो क्या तुम? रोपीरो में आयरन मैन का सूट तो नहीं बना सकता, लेकिन उससे मिलता जुलता सूट जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। चलो ठीक है भाई, हमें इतना भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। और दोस्तों ये देखो भाई मेरी रोड स्टार कार भी रिपेयर हो चुकी है, लेकिन बट एक सेकंड भाई हम लोग एक चीज भूल रहे, इस सूट की एक और खासियत है भाई, ये किसी भी कार को या फिर कोई सी भी गाड़ी हो भाई ये वो आराम से उठा सकता है। वो भाई रोपीरो के अंदर तो ताकत आ गई भाई इसको पहनते ही। ये देखो कार को उठा के पटक दिया, अभी इसको भी उठाते। ये मेरे पीछे भाई पुलिस वाले आ गए, भाई भागो भागो जल्दी से भागो, हम पुलिस वालों को तो नहीं मार सकते भाई। तुम जाओ ना यार भाई, हम टेस्ट ही तो कर रहे हैं मेरे सूट को, हम इसको लटका देते हैं भाई, हम इन सबको लटका देते हैं ताकि ये मेरे पीछे पीछे ना आए, हम इनको मार तो नहीं सकते हैं। कोई बात नहीं। और यहाँ पे ये क्या हो गया भाई, ये जमीन के अंदर कैसे चले गए? अरे भाई तुम लोग जमीन के अंदर क्या कर रहे हो? इनको बाहर निकालना पड़ेगा। अरे भाई ये स्टील सूट से क्यों मारा इनको, ये मर गए बेचारे। ये देखो एक तो मर गया और एक अभी भी बाकी है। तो भाई लोगों हम लोग इसको उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, वरना भाई ये रोपीरो सबको मार डालेगा। इसने स्टील सूट क्या पहन लिया भाई, अभी इसकी ताकत तो पहचान ले, तो किसी को भी मारेगा तो भाई मर जाएंगे वो सब के सब। ये देखो भाई इस कार भी रिपेयर हो चुकी है और इसके अंदर देखो भाई लाल लाल पता है क्या, ये बॉम है जो भी काफ़ी डेंजर वाला बॉम है, हम इसके पास में जैसे ही जाएंगे फट जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं मरेंगे, अगर कोई दूसरा होता तो शायद मर ही जाता। ये फिर से आ गए भाई दिमाग ख़राब करने के लिए, भागो भाई भागो, अपनी रोड स्टार कार उठाते और यहाँ से निकलते, वरना ये लोग भाई रोपीरो के हाथों मर जाएंगे। अभी निकलते हैं भाई जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करते। चलो भाई लोगों अभी हम लोग पता है क्या देखने वाले, हम लोग देखने वाले कि हमारा स्टील सूट ज़्यादा पावरफुल है या फिर सुपर हीरो का सूट ज़्यादा पावरफुल है। वैसे भाई उसके पास में कुछ ज़्यादा शक्ति तो नहीं है सुपर हीरो के पास में। और ये क्या कर रहा है रोपीरो, लगता है कि यार ये कुछ ज़्यादा स्पीड में चलने लग गई है, मेरे को ऐसा ही कुछ लग रहा है। चलो भाई लोगों लेट्स गो भाई जल्दी से जल्दी चलते। और हम लोग पता है कहाँ पे जाने वाले, हम लोग जाने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाली जगह पे, क्योंकि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते भाई, अभी वो कार वाला भी मरने वाला है। मैंने बोला था भाई हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग एक सुरक्षित स्थान पे चलते हैं और हम आ भी चुके हैं भाई, जल्दी से नीचे उतरते हैं। और अभी हम लोग यानी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ और वो है भाई स्टील सूट, यानी यार ये स्टील सूट नहीं एक और स्टील सूट है हमारे पास में जो कि इससे भी ज़्यादा अच्छा है, यानी वो पूरी बॉडी पर आ जाता है। अभी उसका क्या यानी क्या काम होता है वो तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन वो दिखने में काफ़ी अच्छा है। अभी चेंज करते हैं भाई, यहाँ पे खड़ा होकर चेंज करते हैं, लेट्स गो भाई। तो भाई लोगों आपके सामने प्रस्तुत है एक नया सूट जिसको भी हम लोग स्टील सूट ही बोलते हैं। अभी मेरे को भी नहीं पता कि भाई इसका नाम भी स्टील सूट क्यों पड़ा है, यानी ये भाई ये इस स्टील सूट के बिना भी उड़ सकता है क्या, अभी मेरे को नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो भाई यो रोपीरो का सूट ज़्यादा पावरफुल है या फिर हमारे सुपर हीरो का पावरफुल है, अभी चेक करके देख लेते हैं भाई। यानी उड़ने के अंदर तो भाई दोनों सेम लग रहे हैं मेरे को ऐसा लगता है कि भाई सुपर हीरो ज़्यादा धीरे उड़ रहा है और हमारा स्टील सूट ज़्यादा तेज उड़ता है,
लेकिन एक और चीज है भाई, हमारा स्टील सूट किसी भी कार को उठा सकता है क्या? हमारा सुपर हीरो भी किसी भी कार को उठा सकता है क्या? अभी चेक करके देखते थे भाई। रुक जा, कहाँ पे जा रहे हो भाई? लेकिन यहाँ पे भाई मेरे को नहीं लगता कि कोई ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है इस कार को उठाने के लिए। लेकिन हमारे पास में एक और शक्ति है भाई, सुपर हीरो आंखों से किसी को भी कंकाल बना सकता है। ये देखो भाई, कंकाल बन गया, चाहे वो गाड़ी के अंदर हो चाहे वो कहीं पर भी हो भाई। ये सुपर हीरो की बहुत ही अद्भुत शक्ति है। चलो भाई लोगों, अभी हम बात करने वाले रॉक हीरो की सबसे पुराने सूट के बारे में। यार इसको सूट नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको शायद रॉकेट ही बोलते होंगे। नहीं भाई, इसका नाम रॉकेट तो नहीं हो सकता भाई, मैं इसका नाम हमेशा भूल पता नहीं क्यों जाता हूँ। शायद इसका नाम, हाँ अभी याद आ गया, जेट पैक है इसका नाम। हाँ इसका नाम जेट पैक है। और ये कैसा उड़ता है अभी ट्राई करके देख लेते हैं भाई लोगों। भीड़ू लोगों जल्दी चलो भाई, इसको ट्राई करते। अरे भाई ये पुराना वाला सूट इतने धीरे धीरे उड़ता था भाई, इससे तेज तो हमारे पक्षी लोग ही उड़ जाते होंगे। यार पक्षी लोग कितने तेज उड़ते हैं भाई, ये तो बिल्कुल धीरे धीरे उड़ रहा है। इससे अच्छा तो हम लोग जंप करके कहीं पर भी जा सकते हैं। और भाई लोगों, आप लोग भाई जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया हो तो। वैसे मेरे को पता है आप लोग लाइक तो कर ही देते हो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, जल्दी जल्दी कर लो। अभी हम लोग पता है कहाँ पर जाने वाले, तो हम लोग आ चुके हैं भाई आर्मी बेस पे। वैसे भाई हम लोग कितना भी धीरे धीरे उड़ ले, इन लोगों को तो पता लग ही जाएगा कि हम लोग आर्मी की बेस के अंदर आ चुके। चलो भाई लोगों, मेरे को टैंक दिख चुका है, और हम लोग इसको चुराए क्या भाई, इसको बाहर लेके चलते। ये भाई ये फौजी लोग इतनी जल्दी आ गए भाई, इनको पता लग गया होगा क्योंकि मेरा जेट पैक है ना वो बहुत तेज़ आवाज़ करता है जब कभी भी उड़ता है। ये अभी भी बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, इसके अंदर बैठते हैं। और ये मेरा कुछ नहीं कर सकते भाई, मैं उड़ भी सकता हूँ, ये मेरे को कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन इनके इनके पास में पता है क्या है भाई, हेलीकॉप्टर भी है। चलो ठीक है भाई, हम लोग तो इसको यहीं पे छोड़ देते, ये काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके हैं। मेरे को पता है ये लोग मेरे को कभी ना कभी मार ही देंगे, इससे अच्छा तो भाई इनसे बच कर रहो। यार ये सूट इतनी धीरे क्यों उड़ता है यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी धीरे हो गया बे। इससे अच्छा तो हम लोग हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। हाँ दोस्तों, हेलीकॉप्टर से मात्र 10 मिनट में हम पूरा शहर घूम सकते हैं। और ये लोग भाई अभी शांत हो चुके हैं भाई, तुम मेरे को नहीं मार सकते, यानी मार तो सकते हो लेकिन मेरे पास में स्टील सूट आ गया भाई, तुम मेरे को पकड़ भी नहीं सकते। चलो भाई वो इन सबको बताते हैं अपना नया सूट, बोली तो स्टील सूट, लेट्स गो भाई, इन सबको सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। तो भाई लोगों, हम लोग को भाई यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, और भाई मैंने चेंज भी कर लिया है और वो लोग वापस अंदर जा चुके हैं। चलो भाई लोगों, अभी दिखाते हैं इनको असली पावर। असली पावर तो भाई इस सूट के अंदर है, ये मेरे को पकड़ तो क्या भाई, देख भी नहीं सकते, ये सूट इतनी तेज उड़ता है। आओ भाई पकड़ो ना भाई, नहीं पकड़ सकते मेरे को। तुम लोग उधर से इधर आओगे तब तक भाई तुम्हारा हेलीकॉप्टर गायब हो जाएगा, तुम कैसे पकड़ सकते हो मेरे को, नहीं पकड़ सकते। ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और अभी भाई इसको उठाते हैं, लेट्स गो भाई, अभी इसके अंदर बैठते हैं जल्दी जल्दी, तुम नहीं पकड़ सकते भाई, तुम्हारी कोशिश बेकार है। तो भाई लोगों, हमने हेलीकॉप्टर चुरा लिया है, और अभी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।